भाई इरफान भाई ने भी जवाब दे दिया। चुप बैठने वाले इंसान हम भी नहीं हैं। तो फिर ऐसे ऐसे जवाब मिले हैं डके भाई को, तो आज उसी वीडियो उसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं भाई। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल उड़ रहे होंगे, तोतों की तरह उड़ रहे हो, है उड़ रहे हो ना। तो भाई अभी मसला क्या है कि भाई डकी भाई ने वीडियो बनाई अली खान पे, टॉपिक दिया टिकटॉक यूजलेस टिकटॉकर, और जो है ना वीडियो बनाई अली खान की, क्लिप डाली, मतलब उसके बारे में बात की, फिर क्लिप डाली और क्लिप डाली, क्लिप नहीं डाली, मतलब के बीच वीडियो में इरफान जुनेजे साहब के लिए उसने कुछ बातें की, और फिर डकी भाई ने जो है ना लास्ट में अली खान को लेकर बंद कर दिया। तो भाई इरफान जुनेजे साहब ने बोला कि भाई मैं क्यों चुप बैठे, भाई मैं क्यों चुप बैठे, तुमने कंट्रोवर्सी शुरू की है तो मैं जवाब देगा। तो भाई उसने डिफेंड में बहुत ही अच्छे जवाब दिए। तो भाई डकी भाई की वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो पहले देख ले, उसके बाद पहले वो देखेंगे ना कि एलिगेशन कौन से लगे, उसके बाद इरफान जुनेजे के जवाब देखेंगे, वो भी उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई अभी बात करेंगे हम कि इरफान जुनेजे ने कौन कौन से जवाब दिए, लेकिन वो मैं क्यों बताऊँ, वो तो आप लोग खुद देख सकते हो। मतलब जो भी जवाब दिए इरफान जुनेजे साहब ने वो बहुत अच्छे दिए, लेकिन जो उन्होंने एक बात की कि भाई देखो कि रैप प्रमोट किस चीज़ से होता है और डकी भाई का कंटेंट देखो कि क्या चीज़ है, और फिर बताओ कि रैप को कौन प्रमोट कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जो है ना गूगल पे जाओ और ऐसा कोई आर्टिकल सर्च करो और देखो, मैं नहीं बता रहा कोई आर्टिकल, मैं नहीं बता रहा कि इस वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे आर्टिकल सर्च करो कि रैप किससे बढ़ता है, और उसके बाद उसको आप जो है ना पढ़ो, कोई भी आर्टिकल उठा के आप पढ़ो, अपनी मर्जी से पढ़ो, और फिर देखो डकी भाई का कंटेंट, तो फिर और मुझे मुझसे बात करो उसके बाद। और उन्होंने दूसरी पॉइंट ये भी रखी कि भाई अगर जो है ना, हाँ बैन के खिलाफ था, टिकटॉक के खिलाफ नहीं था, टिकटॉक के खिलाफ नहीं, मतलब उसके कंटेंट के खिलाफ था इरफान जुनेजो, लेकिन बैन के खिलाफ भी था, ठीक है। क्यों था बैन के खिलाफ? क्योंकि टिकटॉक एक सोशल मीडिया ऐप है, और अगर उसको बैन किया गया है तो कल को वो लोग ही जो टिकटॉक, मैंने जैसे पहली बात की कि वो टिकटॉक वाले यूट्यूब पे आ सकते हैं और वहीं पर क्रिंज होगा, तो फिर बाद में यूट्यूब की बारी आएगी, तो यूट्यूब की जब बारी आएगी तो तब क्या होगा कि भाई आपका ही कंटेंट जो है ना वो थोड़ा इमोरल है, सो आपका वो हो सकता है बैन, उसको कुछ नहीं है, उसका फैमिली फ्रेंडली है हमारी तरह भाई, कभी कभी हम भी निकल जाते हैं इधर उधर, माफ कर दीजिए, माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो फिर भाई यही बात है कि इरफान जुनेजो साहब ने बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब दिए डकी भाई को, और हाँ अभी हमने फनी वीडियोस बनाना थोड़ी कम कर दिए हैं, थिंक सो। तो टॉपिक यार नहीं मिल रहा, टॉपिक नहीं मिल रहा, अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो उसके हिसाब से बातें कर रहे हैं। तो कोई टॉपिक भी बता दो कि जिस पे हम फनी वीडियोस बनाए, इंशाल्लाह मैं भी जो है ना, अभी टिकटॉक खुल गया है ना, तो टिकटॉक के कुछ जो है ना हम नमूने उठाएंगे और उन पर बात करेंगे, ये भाई सोच लिया है मैंने। तो अभी यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, भाई को सपोर्ट करो, भाई को सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, ऐसे नहीं करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, स्प्रेड लव। ये लव मैंने हार्ट दूसरी पिछली बार गलत बनाया था, अब सही है ना? हाँ, तो स्प्रेड लव, बाय बाय।